भारत आदिकाल से ही कृषि प्रधान देश रहा है, जहाँ के किसानों का जीवन न सिर्फ खेती बल्कि पशुपालन पर भी निर्भर करता है। खेती के साथ साथ पशुपालन भी गांव में आय का मुख्य स्रोत रहा है, जिसमें मुख्यतः पालतू पशुओं के रूप में गाय व बैलों की संख्या अधिक रही है। परंतु आधुनिकीकरण के चलते खेतीबाड़ी में मशीनों एवं ट्रैक्टर का इस्तेमाल बढ़ जाने से स्थानीय गौवंश का महत्व कम हो गया है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय गौवंश की जगह उन्नत एवं विदेशी नस्ल के ज्यादा दूध देने वाले गौवंश ने ले ली है। रखरखाव के अधिक खर्चों से बचने के लिए पशुपालक कम दूध देने वाले कमजोर व बीमार गौवंश को खुला छोड़ देते हैं और ऐसे गौवंश शहरी क्षेत्रों में आकर यातायात बाधित करने के साथ आम नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। साथ ही शहरी क्षेत्रों में आने से उनके प्रकार का भोजन नहीं मिल पाता, जिससे शहरी क्षेत्रों में पड़े कचरे से ही अपने भोजन की आपूर्ति करते हैं और कचरे में पड़ी प्लास्टिक की थैलियां, कागज, कपड़े, यहां तक कि धातु के छोटे छोटे टुकड़े भी निगल जाते हैं, जिसके कारण इन बेसहारा बीमार पशुओं की समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है। ऐसे बेसहारा आवारा पशुओं की परेशानी देखते हुए नगर निगम द्वारा सन 2004 में हिंगोनिया गांव में इस गौ पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई। मात्र 65 गौवंश से इसकी शुरुआत हुई और लगातार प्रयासों के चलते हुए ये केंद्र आज 8000 से ज्यादा गौवंश का घर बन चुका है। वर्ष 2016 में हुई भारी वर्षा में संक्रमण व बीमारी फैलने की वजह से गौवंश की मृत्यु दर असामान्य रूप से काफी बढ़ गई, जो कि एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। इसके बाद सरकार ने महसूस किया कि इस तरह का काम सरकारी संस्था को ना देकर किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से करवाया जाए और यहां पर सरकार की खोज आकर खत्म हुई हरे कृष्णा मूवमेंट पर। 1 अक्टूबर 2016 से हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र का पूरा प्रबंधन हरे कृष्णा मूवमेंट के द्वारा किया जा रहा है। हरे कृष्णा, ये हिंगोनिया गौशाला करीब 12 साल पहले नगर निगम के द्वारा स्टार्ट किया गया था और बहुत छोटे स्केल से स्टार्ट किया गया था कि जयपुर की जो आवारा गायें हैं उनको पकड़ के यहाँ पे उनको रखा जाएगा और उनके चारे पाने की यहाँ व्यवस्था रहेगी। और धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता अभी कुछ अभी इस टाइम तक बहुत बड़ा एक फॉर्म ले चुकी है और अभी करीब इसमें करीब 8500 से ज़्यादा गायें हैं। और स्पेशली हमने करीब 1 अक्टूबर से इसका गौशाला का जो कार्यभार संभाला है, तब से हमने सबसे पहले तो ये सेग्रीगेशन किया था। पहले सांड गाय वगैरह है इनको अलग किया और उसके बाद हमने जो वीक काउज हैं, कमज़ोर गाय हैं, उनको सेपरेट करके और उनका स्पेशल फीडिंग हमने स्टार्ट किया है और जो कि कुछ न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनकी हेल्प के द्वारा उनको क्या क्या डाइट किस तरीके से उनको देना चाहिए और कितनी क्वान्टिटी में देना चाहिए और वो हमने स्टार्ट किया। तो करीब 1 महीना हो गया वो चीज़ हमने स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है उसका कि जो कमज़ोर गायें हैं वो उनका हेल्थ बहुत अच्छे से रिकवर हुआ है और उसकी वजह से उनका जो डेथ रेट है वो भी काफ़ी कम हुआ है, जो गायें मरती थी उसकी वजह से। यहाँ पे करीब 17 डॉक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड हैं और इसके साथ साथ में उन्होंने अलग अलग कुछ मोबाइल टीम्स वगैरह कर रखी हैं जहाँ पर वो डेली बाड़ों में जाती हैं और जो डिजीज्ड काऊ है उनका इलाज करती है। हिंगोनिया गौशाला ने किसी भी प्रकार की मुसीबत में फंसे गौवंश को तुरंत सहायता देने के लिए जयपुर शहर में टोल फ्री नंबर 1962 के साथ एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत भी की है। बीमार व आवारा पशुओं को पुनर्वास केंद्र में बने 23 बाड़ों में लाया जाता है, जहां पर पशुओं के स्वास्थ्य एवं लिंग के अनुसार सब डिवीजन बाड़े जिनकी संख्या 42 है में जरूरत के अनुसार भेज दिया जाता है, जहां पर उनके स्वास्थ्य की जांच आधुनिक रूप से बनी लेबोरेटरी में की जाती है। जांच में बीमार पाए जाने वाले गौवंश को पुनर्वास केंद्र में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित अस्पताल में भेजा जाता है, जहाँ पर बीमार पशुओं को अनुभवी चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जाता है। ज्यादातर कचरा खाने की वजह से बीमार पाए जाते हैं। अधिकतर जांचों में पाया जाता है कि पशु प्लास्टिक की थैलियों, कपड़ा, कागज व धातु के टुकड़े खाए जाने पर गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। सड़क हादसों में घायल पशुओं को एम्बुलेंस द्वारा केंद्र के चिकित्सालय में लाया जाता है एवं उन्हें तुरंत रूप से इलाज दिया जाता है।
सड़क हादसों में अंग खो जाने की स्थिति में पुनर्वास केंद्र में सफलतापूर्वक ऑपरेशन से कुछ अंगों का प्रत्यारोपण भी किया जाता है। पशुपालन विभाग से मैं सीनियर वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर राजेश शहानी, ICU वार्ड नंबर 3 इनका इंचार्ज हूँ। यहाँ पे जो मैक्सिमम एनिमल आते हैं बाड़ों से आते हैं और सिटी राउंड से भी आते हैं। सिटी राउंड से तो बिल्कुल एक्सीडेंटल और वीक डेबिलिटेड पॉलीथीन खाए हुए काफ़ी बुरी हालत में आते हैं, और बाड़ों से जो अपने कमज़ोर जानवर हैं जो आड़े पड़ जाते हैं बैठ जाते हैं वो यहाँ पे लाए जाते हैं और इनका उपचार किया जाता है। हमारी पॉलीक्लिनिक के अंदर लैब बनाई हुई है। इस लैब के अंदर हम गायों के ऊपर अध्ययन करते हैं, गायों के ऊपर क्या बीमारियां हैं, किस वजह से गायों की मौत हो रही है, जिसका हम अध्ययन करते हैं। बीइंग ए पैथोलॉजिस्ट हम लोग उनका पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम में हमें जो भी लक्षण दिखाई देते हैं उन लक्षणों के आधार पर हम उसके मौत का कारण खोजने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन आती है जिसके अंदर एनिमल के पेट के अंदर नहीं खाने वाली चीज़ें जैसे ये पिन है, ये कील है, ये चीज़ें होती है। जब तक ये बॉडी के अंदर रहती है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, पर बाई चांस मूवमेंट की वजह से अगर ये पिन अगर ऑर्गन को पियर्स कर जाती है, हार्ट को, लंग को, लीवर को, तो एनिमल की सडन डेथ हो जाती है। घास व चारे के अतिरिक्त मवेशियों को ताजी सब्जियां व फल भी दिए जाते हैं, साथ ही मौसमानुसार उनके आहार में परिवर्तन भी किया जाता है। गायों के पीने के पानी का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। हर रोज नियमानुसार बाड़ों की सफाई की जाती है। आवारा व बीमार पशुओं को नगर निगम की गाड़ियों द्वारा पकड़कर गौशाला लाया जाता है और उनके रिकॉर्ड के लिए टैगिंग की पद्धति अपनाई जाती है। साथ ही गायों को बाड़ों से भेजने से पहले FMD नामक वैक्सीन लगाया जाता है। गर्भवती गायों व बछड़ों के साथ पकड़ी गई गायों को विशेष रूप से बने बाड़ों में भेजा जाता है। बछड़े को जन्म देने के दौरान जिन गायों की मृत्यु हो जाती है उनके नवजात बछड़ों की गौशाला के कर्मचारी व अक्षय पात्रा के स्वयंसेवकों द्वारा विशेष रूप से देखभाल की जाती है। मवेशियों के लिए खल व अन्य जरूरी खाद्य पदार्थों का उत्पादन केंद्र में ही बने क्षेत्र में किया जाता है। गेहूं की खल मवेशियों को अच्छी मात्रा में दी जाती है। हर मवेशी को चारा किलो के हिसाब से दिया जाता है। गौशाला में काम करने वाले मजदूरों व पशुओं की निगरानी इन CCTV कैमरों द्वारा की जाती है। हरे कृष्णा मूवमेंट के स्वयंसेवकों ने अपना जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित करके इस गौ पुनर्वास केंद्र के प्रयोजन को सफल बनाने की जिम्मेदारी उठाई है। आइए हम सब मिलकर पॉलीथिन का उपयोग बंद करें और हिंगोनिया गौशाला आकर जयपुर नगर निगम और हरे कृष्णा मूवमेंट द्वारा गौ रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा बने। धन्यवाद।